दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी शीट को लेकर यहाँ पे मैंने वीडियो को प्रेजेंट किया हूँ और यहाँ पे जानेंगे बेसिक सैलरी क्या होता है, डियरनेस क्या होता है, ओवर टाइम को हम कैसे निकालते हैं, ओवर टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्रॉस सैलरी क्या होता है और पीएफ को कैसे निकालेंगे और कौन सी स्टाफ को कितना देना है। टोटली हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजय और आप देख रहे हैं बी स्मार्ट चैनल। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं C3 में। मैंने यहाँ पे हेडिंग और नाम, डेस्टिनेशन, किसने कितना डेज काम किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने डेज को रख दिया हूँ। C2 में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी और डियरनेस है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए एक सुपरवाइजर वाले सेल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पहले मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। तो बेसिक सैलरी के लिए सिंपली यहाँ पे स्क्वल टू देंगे 20 × 60% और इंटर करेंगे तो बेसिक सैलरी आ जाएगा। फिर से डियरनेस वाले सेल में जाएंगे, स्क्वल टू देंगे 20 × 40% कर देंगे तो यहाँ पे डियरनेस निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 16,200 है, यहाँ पे भी 16,200 है। डियरनेस में आप यहाँ पे देख रहे हैं 10,800 है, 10,800 है, यहाँ पे भी 10,800 है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बॉर्डर में आके नो बॉर्डर कर देता हूँ और सिंपली मैं इसको पहले सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में आके मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टेबल टाइप कर दिया हूँ और ओके कर दूंगा तो इसका नाम टेबल हो जाएगा। अब जाएंगे C3 में, यहाँ पे देंगे स्क्रॉल टू और टाइप करेंगे वी लुकअप और टाइप को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी लुकअप का नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम डेस्टिनेशन वाले कॉलम में आएंगे और सुपरवाइजर को यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे। टेबल एरे के लिए हमने जो नाम दिए थे टेबल को यहाँ पे वो शो कर रहा है तो सिंपली मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स बोल रहा है तो कॉलम इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज और इंटर प्रेस कर देता हूँ तो सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग 16,200 आ गया है। जाएंगे हम C2 में और यहाँ से सुपरवाइजर को चेक करते हैं तो 16,200 आया हुआ है। अब डीएनएस वाले कॉलम में आएंगे, फिर से यहाँ पे देंगे स्क्वल टू वी लुकअप टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, टेबल एरे के लिए टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स के लिए 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज और इंटर करेंगे तो डियरनेस यहाँ पे आ जाएगा। और सिंपली इन दोनों को सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा और नीचे डबल क्लिक कर दूंगा तो सभी का डाटा नीचे तक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और मैं इसको कंट्रोल वी से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेज पहले से ही हमने निकाल दिए हैं, बेसिक सैलरी और डीएनएस दोनों ही हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब निकालेंगे हम सैलरी, तो सैलरी के लिए सिंपली यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू देंगे 20 + 20 और यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे, एक महीने में 30 दिन होता है तो यहाँ पे हम 30 देंगे भागा इस डेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी 26 दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा और सिंपली इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो सभी का सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ओवर टाइम की बात करते हैं तो मैं C1 में जाके यहाँ से ओवर टाइम को कॉपी कर देता हूँ। C3 में आके यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम ओवर टाइम निकालेंगे, तो ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम देंगे इज इक्वल टू 20 भागा 1 महीने में 30 दिन होता है तो 30, और ऑफिस वर्क होता है 8, तो यहाँ पे डिवाइडेड 8 टाइप कर दिया हूँ, और इनटू ओवर टाइम, तो यहाँ पे ओवर टाइम निकल जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे इसको इंटर करते हैं और उसी सेल में जाके डबल क्लिक कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग ओवर टाइम यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल अलाउंस में सभी स्टाफ को हम 3 से देंगे और डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। TADA में आएंगे और TADA में हम यहाँ पे सभी स्टाफ के लिए 1800 दोगे और सिंपली इसको डबल क्लिक कर देंगे। कम्युनिकेशन में आएंगे और यहाँ पे देंगे 1200 सभी स्टाफ के लिए, फिर से इसको डबल क्लिक कर देंगे तो सभी में डाटा फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर अलाउंस के, तो अदर अलाउंस में मैं यहाँ पे 2200 कर देता हूँ, नीचे वाले को 2000, यहाँ नीचे 800 सॉरी 1800, बाकी सब स्टाफ के लिए 600 और सिंपली इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आता है ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी के लिए यहाँ पे इक्वल टू देंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 और यहाँ पे इंटर करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा और सिंपली इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी में डाटा फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्गुमेंट PF है, तो PF वाले सेल में आएंगे, यहाँ पे देंगे इक्वल टू 20 इंटू 12% देंगे और इंटर करेंगे तो PF आ जाएगा और सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो सभी में फिट हो जाएगा। अब नेट पेड में आएंगे, लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे देंगे इक्वल टू 20 माइनस और PF को घटा देंगे तो नेट पेड हो जाएगा और सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो सभी में डाटा फिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम टैब में जाके यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर दे देता हूँ और सेंटर में इसको कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ सेल स्टाइल दे देता हूँ, जैसे मैं नेट पेड वाले सेल को सेलेक्ट कर दिया हूँ और जाऊँगा सेल स्टाइल में और यहाँ से इस कलर को मैं सेलेक्ट कर दूंगा और बोल्ड कर दूंगा कंट्रोल डी से। फिर से PF वाले में आऊंगा और PF वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा, सेल स्टाइल में आऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला चेक सेल सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे वो स्टाइल लग जाएगा। फिर से मैं जितना अलाउंस है उन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, सेल स्टाइल में आकर यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देता हूँ और ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करके फिर से इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर देता हूँ तो यहाँ पे सभी बोल्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी डियरनेस और सैलरी को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी से एक बार बोल्ड करूंगा तो दो कॉलम में था वो रिमूव हो जाएगा, फिर से मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ तो तीनों ही कॉलम में फ्रंट बोल्ड हो जाएगा और मैं सेल स्टाइल में जाके यहाँ से ये वाले सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देता हूँ। देन मैं डेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करके सेल स्टाइल में आऊंगा और यहाँ से मैं इसको एक कलर करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर दूंगा तो यहाँ पे काम हुआ फाइनल। और हेडिंग में आएंगे और इसका फ्रंट कलर यहाँ पे ये दे देंगे तो काम हो जाएगा हमारा फाइनल। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्रिक, तो आई होप जो मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाया हूँ वो आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के यहाँ पे मैंने आपको सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं, डियरनेस, ओवर टाइम और ग्रॉस सैलरी और PF कैसे निकालते हैं, कुल मैंने यहाँ पे आपको
बता दिया हूँ, और आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।